हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू आई एक्स एम बी आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन तो शुरू करेंगे आज का हमारा करंट अफेयर जो कि ट्वेंटी फर्स्ट फैप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो फ्रेंड्स एज यू ऑल नो दैट आई ऑलवेज रिमाइंड कि आप रिवाइज करो रिवाइज करो एंड आई होप यू आर डूइंग इट बट फेब्रवरी मंथ में मैं आपको कुछ और याद दिला रहा हूँ वो ये है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे एंड आपको यूनियन बजट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एंड कम्प्लीट भी कर लेना है ये फैब में राइट बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम दट है बाकी आर बी आई सभी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब नबार्ड वार्ड सब के लिए सो so, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे फर्स्ट न्यूज़ के तरफ वो है रिगार्डिंग टाटा मोटर्स देखो इट्स ए प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी का न्यूज ऑल दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट लेकिन वेन समथिंग हैपन्स इवन टू द प्राइवेट सेक्टर और वो न्यूज नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आप ऐसे समझो नेशनल इंपॉर्टेंस या नेशनल गोल के साथ अलाइंट है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो देखो जो टाटा मोटर्स है इन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट का ऑर्डर लिया है किससे उबेर से और उबेर ने क्या बोला है उबेर ने ये बोला है कि आने वाले दिनों में उबेर विल बी कंप्लीटली यू नो इलेक्ट्रिक फ्लीट ठीक है उन्होंने जो टाइमलाइन दिया है वो टू का दिया है कि 2040 तक इंडिया में जितने भी उबेर की गाड़ी चलेंगे वो क्या होंगे पूरे ही इलेक्ट्रिक फ्लीट के गाड़ी होंगे और टाटा मोटर्स का एक इलेक्ट्रिक आम है इलेक्ट्रिक आम मतलब जो फ्लीट ओनर्स के लिए टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचती है वो एक्सप्रेस ब्रांड के नाम से बेचती है राइट एक्सप्रेस ब्रांड तो ये आपको ध्यान में देना है

फिफ्टी परसेंट कार्बन न्यूट्रल बनेंगे और नेक्स्ट जीरो एमिशन पे हम नेक्स्ट जीरो पे हम जाएंगे दो हजार सत्तर तक तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा राइट सो इट इज़ नॉट ऑलवेज द गवर्नमेंट विच इज डूइंग गवर्नमेंट विल बी क्रिएटिंग द एनवायरमेंट बाकी वो काम तो देश के लोग करेंगे देश की कंपनियां करेंगी एंड दिस इज दी वन स्टेप कि ठीक है एक बाहर की अमेरिकन कंपनी भी इस पर योगदान दे रही है दे आर ऑल्सो यू नो इक्वली कंसर्न अबाउट दी एमिशंस तो उन्होंने ऑर्डर किया एक इंडियन कंपनी विच इज़ यू नो वन ऑफ दी ग्लोब्स बिगेस्ट कंपनी इन व्हीकल मैनुफैक्चरिंग ठीक है तो टाटा मोटर्स के पास अगर आप ऑर्डर्स देखोगे तो ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी का जो जून ट्वेंटी ट्वेंटी में हुआ टेन थाउजेंड इलेक्ट्रिक वहीकल का दिसंबर में एवरेस्ट फ्लीट का हुआ फाइव थाउजेंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का लीथियम अर्बन टेक का हुआ पाँच हजार व्हीकल का एंड सोआन so सो टाटा मोटर का ये जो एक्सप्रेस ब्रांड है इनके पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर है सर सो बिगेस्ट वन इज दिस ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ठीक है जो टेन थाउजेंड ई इसका ऑर्डर जिन्होंने दिया और लेटेस्ट इज दाइव थाउजेंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ये उबेर ने दिया राइट right? सो so, इन्होंने ये जो टाटा मोटर का एक्सप्रेस टी वी ई वी ब्रांड है इन्होंने पार्टनरशिप किया फ्लीट ओनर्स का कहा के साथ दिल्ली एन सी आर मुंबई कोलकाता चेन्नई हैदराबाद बेंगलुरु एंड अहमदाबाद राइट सो दिस इज ए वेरी बिग न्यूज बिकॉज देखो ये सारा चीज ना आपको अगर एम में भी नहीं पूछा तो आप इसको एनवायरमेंटल के किसी भी टॉपिक पे सीओ पी ट्वेंटी सिक्स या ट्वेंटी सेवन के साथ अलाइन करके लिख सकते हो कि बेस्ड ऑन द नेशनल गोल दैट वी हैव वी आर डूइंग दिस दिस थिंग आप ये भी लिख सकते हो ये चीज आप समझो राइट right? सो so, कुछ न्यूज ऐसे होंगे जिनको आपको इन डेप्थ में समझना पड़ेगा उसको आपको कनेक्ट करना होगा किसी दूसरे न्यूज के साथ एंड दैट इज हाउ यू विल इवॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ जी राइट एंड आई होप आई एम क्लियर आपको अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप लिखो कमेंट सेक्शन पे अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ वो है परम अयर टू ज्वाइंट वर्ल्ड बैंक एस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखो आपको पता होगा जो वर्ल्ड वार टू के बाद ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था राइट right? ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस में तब देश आज़ाद नहीं था देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो एक ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर थे मतलब इट वॉज एन अर्स्टफाइल गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट का नहीं था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही एक फाइनेंस uh, मिनिस्टर एक था उन्होंने डेलीगेशन को लीड करते हुए इंडिया के दो इकोनॉमिस्ट मतलब टोटल uh, लोग गए थे इंडिया के दो लोग थे उसमें तो इंडिया का एक ही से था कि सिंस देखो इंडिया को आज़ादी से पहले से भी ना एक अच्छे नजर से देखा जाता था द रीजन इज एक तो रीजन था पॉपुलेशन दूसरा था यू नो काइंड ऑफ पोटेंशियल दैट इंडिया हैड फ्रॉम दैट टाइम तो लिए इंडिया का एक ही से था कि इनको एक सीट तो चाहिए ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से निकल के जो भी आएगा तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद निकल के क्या आया आई एम वर्ल्ड बैंक आया राइट तो वर्ल्ड बैंक में इंडिया को क्या मिला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट तो अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट इंडिया को मिला है कोई तो जाएगा ना वहां so, देखो, राइट नाउ द न्यूज इज दैट परम अयर राइट परम अयर आज के दिन में कौन है परम अयर आज के दिन में है सीईओ नीति आयोग के ठीक है कौन है सीईओ नीति आयोग के जो वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो ऑब्वियस बात है नीति आयोग का सीईओ पोजीशन खाली हो गया तो नीति आयोग के सीओ पोजीशन पे किसको बिठाया गया इट्स बी वी आर सुब्रमण्यम एन नाइनटीन सेवन बैच छत्तीसगढ़ कैडर आई एस ऑफिसर जो कॉमर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं राइट right? सुफ्रा में स्मॉल स्टेट कैडर के एक ऑफिसर जो कॉमर्स सेक्रेटरी भी रह चुके हैं वो आज के दिन में नीति आयोग के सी बन गए हैं दो साल के लिए राइट right? तो ये आपको ध्यान में देना है ये दो नाम आपको याद भी कहना है कि बी वी आर सुब्रमण्यम इज द न्यू सी ई ऑफ नीति आयोग एंड परम आईर जो कि सी ईओ है ये अब ज्वाइन कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब हम जाएंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ वो है इंडिया सिंगापुर यू पी आई तो देखो ये न्यूज तो हम पिछले साल से ही जानते हैं कि यू पी आई इज नो लॉन्गर एंड प्रोडक्ट दैट इज दे लिमिटेड टू इंडिया राइट यू पी आई हैज गॉन इंटरनेशनल मतलब सिंगापुर को सिंगापुर ने एक्सेप्ट किया है तो देखो एक्सेप्ट करने के बाद भी उनके बैंकिंग सिस्टम में इतने बड़े बदलाव लाने के लिए भी एक टाइम लगता है तो वो टाइम खत्म हो चुका है अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है नरेंद्र मोदी ये एंड जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ये विटनेस करने वाले हैं क्या द लॉन्च ऑफ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज बिटवीन टू कंट्रीज ऑन ट्वेंटी फर्स्ट फेब्रुवरी जो कि आज है तो मतलब अगर देखा जाए आज सिंगापुर में नेशनल लेवल पे यूपीआई लॉन्च होने वाला है बिटवीन यूपीआई ऑफ इंडिया एंड नाउ ऑफ सिंगापुर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी मतलब अब पेमेंट आसान होगा बिटवीन इंडियंस एंड द सिटीजन ऑफ सिंगापुर राइट सो लिंकेज ऑफ दिस टू पेमेंट सिस्टम टू एनेबल फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ मनी विथ हेल्प द इंडियन डायस्पोर एंड सिंगापुर सिंगापुर इन ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया एंड वाइसा आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ देखा था ना कि एन आर ओ और एन आर ई ठीक है ये लोगों को अलाउ किया गया कि आप सिंगापुर के नंबर सिंगापुर यूएस उसमें बहुत सारे कंट्री है राइट सो अभी हम सिंगापुर के डिस्कस करते हैं तो सिंगापुर के मोबाइल नंबर से भी जिनके पास एन आर ओ अकाउंट है वो स्ट्रेट अवे यू पी आई को यूज कर सकते हैं मतलब इट वुड बी यू नो इमीडिएट ट्रांसफर बिटवीन इंडियन रुपीज एंड सिंगापोरियन डॉलर ठीक है तो वो इमीडिएट होगा आई होप ये आपको समझ में आ रहा है तो ये लॉन्च में जो आर बी आई गवर्नर है शक्तिकांता दास वो भी रहेंगे एंड मिस्टर रवि मेनन मैनेजिंग डायरेक्टर मोनिटरी ऑथोरिटी ऑफ सिंगापुर ठीक है तो सिंगापुर का जो सेंट्रल बैंक है वहां के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्या नाम है उनका मिस्टर रवि मेनन राइट सो विथ दिस लेट्स मूव टू दैक्स्ट न्यूज दैट इज जायेद कैंपेन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो जो एग्रिकल्चर मिनिस्टर है ये चेयर करने वाले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर जायद कैंपेन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री

देखो जो ये इंडियन नेवल शिप सुमेधा है आई एन एस सुमेधा विजिट्स आबुधाबी आबुधाबी गई है शिप टू पार्टिसिपेट इन एंड तो ये आपको ध्यान देना होगा दिस इज बिटवीन होम बिटवीन इंडिया एंड यूए राइट तो देखो ये नेवटेक्स इट्स ए नेवल डिफेंस एक्सिबिशन एंड आईडेक्स ट्वेंटी थ्री इट्स एन इंटरनेशनल डिफेंस एक्सिबिशन ये बीस से चौबीस फरवरी के बीच में होने वाला है अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ वो है डिसलिंग अगेन दिस इज रिलेटेड टू डिफेंस तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिंग नाम से हो रहा है राइट right? ये ये किसके नाम से हो रहा है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान ठीक है कमेंट एक्ट गर्ग उत्तराखंड तो ये आपको ध्यान में देना होगा ठीक है दिस इज फोर्थ एडिशन कहां पे होगा उत्तराखंड में होगा कौन कौन के बीच इंडिया एंड उज्बेकिस्तान ये आपको ध्यान देना क्या नाम है इट्स जस्ट लिंग कितने दिन का होगा टोटल ये फोर्टीन डेज लॉन्ग होने वाला है ठीक है अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ वो है ऑल इंडिया सी पी आई फॉर ए एन आर एल मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबरर्स राइट तो इसका जो बेस ईयर है 1986-87 को 100 माना गया है अगर 1986-87 के प्राइस में आज के प्राइस को कंपेयर करूंगा इट्स मोर देन यू नो इट्स समवे अराउंड 11.7 टाइम्स मतलब एक हज़ार एक सौ सत्तर है किसके लिए एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए है एंड रूरल लेबरर्स के लिए एक हज़ार एक सौ इक्यासी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एट्टी वन तो ये है तो ये स्टेट वाइज वेरी करता है आपको उतना ध्यान नहीं देना है आप बस नंबर पे ध्यान दो दैट इज इनफ अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ दैट इज रिलेटेड टू एटीन वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस तो इसमें सीधा पूछ लेगा कि एटीन वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस किसने ऑर्गेनाइज किया है तो ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपको ध्यान में देना होगा थीम क्या है रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रेस्पॉन्स एंड विजन फॉर फ्यूचर ठीक है जो डायरेक्टर जनरल है रेलवे पुलिस फोर्स के वो थे चेयर ऑफ दिस कांग्रेस ठीक है तो ये आपको ध्यान देना है और एक चीज इसमें ध्यान देना है कि ये कहाँ रहा है ये आपका होगा पिंक सिटी जयपुर में जो कि राजस्थान है अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज में वो है अनुभूति इंक्लूजन पार्क तो ये पार्क कहाँ पे आने वाला है आपको सिर्फ इसमें से एक ही सवाल बन सकता है कि ये पार्क कहाँ पे है स्थित है ये है आपके महाराष्ट्र के शहर नागपुर में ठीक है इट्स ए दिव्यांग पार्क इनोग्रेटेड बाई नॉट इनोग फाउंडेशन स्टोन लेड बाई दी बाई द मिनिस्टर Cut with this we are done for the day let's make tomorrow morning once again till then unfold your potential all the best and always remember ixmb helps you prepare 50 percent faster